हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक मजेदार सी कहानी लाई हूँ। पता है किसकी कहानी? बजर बट्टू। मैं आज आप लोगों के लिए बजर बट्टू की कहानी लाई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, बजर बट्टू कहानी। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है। आपको इस चित्र से क्या समझ आ रहा है? इस चित्र में क्या क्या चीजें दिखाई हुई हैं? तो बच्चों, इस चित्र में एक बजर बट्टू, जो अक्सर किसान लोग खेतों में लगाते हैं अपनी फसल को पक्षियों से बचाने के लिए, तो यहाँ पर एक लड़का पूछ रहा है, यह कौन खड़ा है, ये क्या करता है यहाँ खड़ा होकर? तो पता है लड़की क्या जवाब देती है? मेरी माँ ने बताया था, ये खेत में खड़ा एक काग भगोड़ा है। अरे, जब से यह लगा है तब से पक्षी फसल के दानों को इसके डर से खाने ही नहीं आते। इसको अक्सर हम काग भगोड़ा भी बोलते हैं। तो जब हम इसे खेतों में लगाते हैं तो पक्षी नहीं आते, जब पक्षी नहीं आते तो इन लोगों की फसल बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जो अच्छी फसल उगती है उसे पक्षी खा नहीं पाते। चलिए अब कहानी का मूल तत्व देखते हैं। कहानी का मूल तत्व, मधुर वाणी द्वारा हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। तो बच्चों, यह बात तो बिल्कुल सच है कि अगर आपकी वाणी मधुर है, आप हमेशा हर किसी से प्यार से, इज्जत से और अपनी एक मधुर वाणी के साथ वार्तालाप यानी कि बात करते हो, तो आप उससे किसी को भी अपना बना सकते हो। कोई भी आपका दोस्त बन जाता है, हर किसी को आपका स्वभाव अच्छा लगता है। अब चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अरे चलो, शाम हो रही है। सभी पक्षियों को इकट्ठा करते हुए कौवा सरदार और झुंड उड़ चला पास के खेतों की ओर। फसल कटने का समय जो हो गया था, सारे खेत में फसल पक चली है और खेत लहरा रहे हैं। तो कौओं का एक दल रोज की तरह रामू चाचा के खेत की तरफ चल पड़ा। रामू, तो बच्चों यहाँ पर रामू काका का एक खेत था। उस खेत में सभी पक्षियों को इकट्ठा करते हुए जो कौओं का सरदार था और झुंड जो था वो खेतों की ओर उड़ चला, क्योंकि फसल कटने का समय जो हो गया था। सारे खेत में फसल जो थी वो पक चली है, मतलब सब फसल जो है अब कटने लायक हो गई है, वो पक गई है। खेत जो है बहुत ज्यादा लहरा रहे हैं। तो कौओं का एक दल रोज की तरह रामू चाचा के खेत की तरफ चल पड़ा। तो रामू चाचा के खेत मानो सोना उगल रहे थे और रखवाली करने वाला चाचा भी अब बूढ़े हो चले थे। तो कौओं को खूब मौका मिलता था पेट भरकर अनाज चुगने का, मगर आज जैसे ही वो खेत के पास पहुंचे, अरे यह क्या, यहाँ तो कोई खेत में खड़ा है, कहीं रामू चाचा ने कोई रखवाला तो नहीं रख लिया है? तो कौवे जो थे वो सोच में पड़ गए कि कौओं का सरदार फिर उनसे बोलता है कि तुम साहिब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। तो सारे कौवे वहीं पास के पेड़ की टहनियों पर बैठ सुस्ताने लगे और सरदार कौवे धीरे से उस रखवाले के पास गया। रखवाले ने छींट वाली धोती और सफेद कुर्ता पहना था, लाल रंग की पगड़ी लगाई थी और चेहरे पर थी बड़ी बड़ी मूछें। दोनों हाथ फैलाए वह शान से खेत में खड़ा था और सरदार कौवा डरते डरते उसके सामने गया और धीमे से बोला, नमस्ते, क्या आप खेत के रखवाले हैं? तो रखवाले ने घूर कर उसे देखा और बोला, मैं हूँ बजर बट्टू, इस खेत का नया रखवाला, लोग मुझे काग भगोड़ा भी कहते हैं। मेरे रहते तुम खेत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो नहीं नहीं भैया, हम खेत को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि छंजी हवा लेने आते हैं, अगर हमें नीचे गिरे दाने दिखे तो खा लेते हैं। क्या इससे आपको तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए? तो कौवे सरदार के इतने कहते ही बजर बट्टू ने उसे घूर कर देखा। तो
कौवा सरदार उड़कर बजर बट्टू के कंधे पर जा बैठा और धीमे से अपने पंख उसके कान में छुआ दिए तो बजर बट्टू को गुदगुदी होने लगी और वह मुस्कुरा दिया। तो कौवे सरदार ने पूछा, तो हम खा लें थोड़े से दाने? तो पता है बजर बट्टू क्या कहता है? बजर बट्टू कहता है कि हाँ। कहते ही कौवे ने सरदार ने लंबी सीटी मारी और देखते ही देखते अपने साथियों को दाने खिलवाने और बातें करने का काम एक साथ करने लगा। जल्दी ही दोनों दोस्त बन गए। अचानक कौवे सरदार का ध्यान बजर बट्टू के पैरों की तरफ गया और वह बोला, बजर बट्टू भैया, सारा दिन एक ही स्थान पर आप खड़े खड़े थक नहीं जाते? क्या आप घूमते फिरते नहीं हो? तो कौवा जो है वो बजर बट्टू से जब पूछता है तो बजर बट्टू जवाब देता है कि नहीं सरदार, मैंने तो चलना सीखा ही नहीं है। तो कौवा बजर बट्टू को बोलता है, अरे कोशिश तो करो, आप तो उड़ना भी सीख सकते हैं। कौवा सरदार उत्साह से बोला, बस पंख की जगह हाथ फैलाइए, एक पांव बढ़ाइए, शरीर को ऊपर खींचे और उठ जाइए धरती से ऊपर। तभी बजर बच्चों को किसी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज कौवे के झुंड की थी जो अपने सरदार को वापस आने का इशारा दे रहे थे। फिर क्या, फिर कौवा सरदार बजर बट्टू से बोलता है कि मैं आपको कल उड़ना सिखाऊंगा, फिर जल्दी ही आप उड़कर सारी दुनिया देख सकेंगे। कहकर कौवा सरदार तो उड़ गया, मगर बजर बट्टू को सोचने के लिए विवश कर गया, मतलब मजबूर कर गया। क्या मैं भी उड़ पाऊंगा? दूर दूर तक सारी दुनिया को देख पाऊंगा? उसने धीरे से एक पांव आगे बढ़ाया, शरीर को खींचा, हाथ फैलाए और ये क्या, वह तो सचमुच उड़ रहा था। खेतों के ऊपर जंगल नदी पहाड़ पार करता, नए नए लोगों मिले, नए नए जानवर दिखे, बच्चे उसे उड़ता देख खुश हो रहे थे। किसी ने उसकी मूंछों की तारीफ की, किसी ने पगड़ी की। उड़ते उड़ते वह थक गया तो सुस्ताने के लिए बगीचे में उतरा। वहां के रखवाले ने उसे खाने के लिए फल दिए। रखवाले को देखकर अचानक बजर बट्टू को रामू चाचा याद आ गए। उसने सोचा, उसे खेत में ना पाकर बेचारे कितने परेशान होंगे, बुढ़ापे में कैसे खेत की रखवाली करेंगे, तो मुझे वापस जाना होगा। बजर बट्टू उठ खड़ा हुआ, फिर एक पाँव बढ़ाकर हाथ फैलाकर उड़ने की कोशिश की और वह धड़ाम से गिर पड़ा। मुझे वापस जाना है, बुदबुदाते हुए उसने आंखें खोली। धत तेरी की, शुक्र है कि यह स्वप्न ही था, सच नहीं? बजर बच्ची अपने मूंछों पर ताव देता हुआ और मुस्कुराया। और अब उसे कौवे सरदार की आने का बेसब्री से इंतजार था, ताकि वह उसे अपने सपने के बारे में बता सके। तो बच्चों, यह थी एक मजेदार सी कहानी बजर बट्टू की। बजर बट्टू वो होता है जो खेतों में अक्सर रखवाली करते हैं, जिसका सर मटके की तरह होता है, जिसको बड़े ठाट पाट से बड़ी बड़ी मूंछों और ऊपर पगड़ी पहना के तैयार किया जाता है, उसे हम बोलते हैं बजर बट्टू। और कुछ लोग तो उसे काग भगौड़ा भी बोलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ यानी कि शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ, झुंड मतलब समूह, बी वश मतलब मजबूर, टहनियों मतलब शाखाओं। अगला शब्द है सुस्ताने मतलब आराम, आराम। अगला शब्द है परेशानी, परेशानी मतलब दिक्कत। उससे अगला शब्द है कोशिश मतलब प्रयास, इशारा मतलब संकेत। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करना शुरू कीजिए। पहला शब्द क्या है? कुर्ता, कुर्ता। दूसरा शब्द है मूछे, मूछे। तीसरा
तीसरा शब्द है बजरबट्टू, बजरबट्टू। उससे अगला शब्द है बढ़ाइए, बढ़ाइए, बढ़ाइए। उससे अगला शब्द है बुद बुदाते, बुद बुदाते। तो बच्चों, आपको इन शब्दों का और उच्चारण करते हुए इनका प्रयास करना है, ताकि आप इन शब्दों का उच्चारण गलत ना कर पाए। तो बच्चों, इनका उच्चारण करके इन शब्दों का अभ्यास करें। और जो कहानी अब हमें हमने पढ़ी है बजर बट्टू की, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए, स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न एक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपको सही सही उत्तर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कौओं का झुंड इकट्ठा होकर कहाँ गया था। वेरी गुड, कौओं का झुंड इकट्ठा होकर रामू चाचा के खेत में गया था। अगला है ख, खेत में क्या लहरा रही थी। वेरी गुड, खेत में फसल लहरा रही थी। अगला है ग, कौओं को खेत में कौन खड़ा दिखाई दिया, कौन था। बजर बट्टू, बजर बट्टू, कौओं को खेत में बजर बट्टू खड़ा दिखाई दिया। अगला है घ, बजर बट्टू स्वप्न में कहाँ पहुंच गया था, कहाँ था। वेरी गुड, बजर बट्टू स्वप्न में रामू चाचा के खेत से बहुत दूर एक बगीचे में उतर गया था। अगला है जरा लिखिए, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न दो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उत्तर लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है क, कौओं का झुंड कहाँ और क्यों जा रहा था। वेरी गुड, कौओं का झुंड रामू चाचा के खेत में जा रहा था ताकि वो वहां की फसल को खा सके, वहां की फसल के दानों को खा सके, क्योंकि फसल का कटने का समय हो चुका था, फसल काफी अच्छी हो रही थी इसीलिए। अगला है ख, कौवे सरदार ने खेत में जिसे देखा वह कौन था और उसे वहां क्यों रखा गया था। तो बच्चों, कौवे सरदार ने खेत में जिसे देखा वो बजर बट्टू यानी कि काग भगौड़ा था, जिसे वहां पर रखा गया था ताकि वहां पर कोई भी पक्षी, कोई भी कौवा आकर उस फसल को खराब ना कर सके। क्यों? क्योंकि रामू चाचा बहुत बूढ़े हो चुके थे, वो अपनी फसल का बचाव खुद नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ही बजर बट्टू को वहां रखा हुआ था। ग, कौवे सरदार ने बजर बच्चू को उड़ना कैसे सिखाया। कौवे सरदार ने बजर बच्चू को उड़ना ऐसे सिखाया, उसने उसे प्रोत्साहित किया कि तुम भी उड़ सकते हो, बस तुम्हारे पास पंख नहीं है तो तुम पंखों की जगह अपने हाथों को फैलाओ, पैर को आगे बढ़ाओ और अपने शरीर को ऊपर की तरफ धकेलो, तुम भी हमारी तरह हवा में उड़ सकते हो। अगला है घ, बजर बच्चों ने स्वप्न में खुद को कहां कहां घूमते देखा। तो बच्चों, बजर बच्चों ने स्वप्न में खुद को जंगलों, पहाड़ों और खेतों में उड़ते देखा। कहां पर? जंगलों में, पहाड़ों में और खेतों के ऊपर। उसने खुद को उड़ते देखा स्वप्न में। बजर बच्चू वापस खेत में क्यों लौटना चाहता था। वेरी गुड,
बजर बच्चू वापस खेत में इसलिए लौटना चाहता था क्योंकि उसको लग रहा था कि रामू चाचा बूढ़े हो चुके हैं। वो खेत की रखवाली खुद कैसे कर रहे होंगे, उन्हें उसकी चिंता हो रही होगी, वो बहुत ज्यादा चिंतित होंगे, इसलिए बजर बट्टू को वापस खेत में लौटना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, किसने किससे कहा लिखिए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, इन वाक्यों को पढ़ के आपको थोड़ा सा सोचना है और बताना है कि यह वाक्य पाठ में किसने बोले थे और किसको बोले थे। तो चलिए शुरू करते हैं। क, चलो शाम हो रही है। तो बच्चों यह वाक्य किसने बोला था। वेरी गुड, यह वाक्य बोला था कौवे ने। कौवे सरदार को, यह वाक्य बोला था कौवे ने कौवे सरदार को कि चलो अब शाम हो रही है। अगला वाक्य है तुम सब यहीं रुको मैं देख कर आता हूँ। यह वाक्य किसने बोला था। वेरी गुड, यह वाक्य बोला था कौवे सरदार ने अपने बाकी कौवे दोस्तों को। अगला है गा तो हम खा ले थोड़े से दाने, यह वाक्य किसने बोला था। वेरी गुड, यह वाक्य बोला था कौवे सरदार ने बजर बट्टू से। घा धत तेरी की, यह तो स्वप्न था, यह वाक्य किसने बोला था। तो बच्चों यह वाक्य बोला था बजर बट्टू ने खुद से, यह वाक्य बजर बट्टू ने खुद से बोला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी से मिलती जुलती एक कहानी सोचिए और यह बताइए कि उस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बच्चों जैसे अभी हमने एक बजर बट्टू और कौवे की कहानी पढ़ी, इससे ही कोई मिलती जुलती अन्य कहानी को सोचिए या गूगल पर या किसी भी स्टोरी बुक में से, किसी भी कहानी की किताब में से ऐसी कोई कहानी ढूंढिए और बताइए कि उस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बच्चों इसका जवाब आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जरा भाषा पर गौर कीजिए, लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको वचन बदल कर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है धोती। धोती यानी कि एक धोती, इसका अगर आप वचन बदलेंगे तो क्या होगा। वेरी गुड, अगर आप इसका वचन बदलेंगे तो ये हो जाएगा धोतियां। अगला शब्द है मूछ। मूछ का क्या वचन होगा। मूछे, मूछ का बहुवचन होगा मूछे। अगला है पगड़ी। पगड़ी का क्या होगा। वेरी गुड, पगड़ी का होगा पगड़ी या। अगला है कौवा। कौवे का क्या होगा। कौवे, कौवा बहुत सारे कौवे, तो कौवे का बहुवचन हुआ कौवे। अगला शब्द है कुर्ता। कुर्ते का बहुवचन क्या होगा। वेरी गुड, कुर्ते। अगला और आखिरी शब्द है माता। माता का बहुवचन क्या होगा। वेरी गुड, माताएं। माता का बहुवचन होगा माताएं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, दिए गए शब्दों से ई जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों में आपको ई, बड़ी ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जैसे पहला है पगड़, अगर आप पगड़ में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। वेरी गुड, पगड़ी। अगला है गुदगुदा, इसमें अगर हम ई की मात्रा जोड़ेंगे तो बनेगी गुद गुदी।
परेशान। तो इसमें अगर आप ई की मात्रा जोड़ेंगे तो बनेगी परेशानी। घ, सीट में अगर आप ई की मात्रा लगाएंगे तो बनेगी सीटी। अगला शब्द है रखवाल। रखवाल में अगर आप ई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वेरी गुड, रख वाली। अगला शब्द है मार। मार में अगर आप ई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मारी। क्या बनेगा? मारी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 7, पक्षियों को खेतों से दूर रखने के लिए बजरबट्टू के अलावा क्या किसान कोई तरीका भी निकाल सकते हैं? सोच कर लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि एक बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है बजरबट्टू, जो अक्सर हर किसान अपने खेत में लगाता है अपनी फसलों को पक्षियों से बचाने के लिए। तो क्या हम बजरबट्टू के अलावा भी किसान कोई और तरीका निकाल सकता है अपनी फसल को पक्षियों से बचाने का? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका जवाब अपने अपनी नोटबुक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8, बजरबट्टू बनाने के लिए हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी उन पर गोला लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वस्तुएं दे रखी हैं। बजरबट्टू कैसे बनता है आपको ये बताना है कि बजरबट्टू बनाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए देखते हैं। सूखी घास। तो क्या बजरबट्टू बनाने के लिए सूखी घास की जरूरत पड़ती है? हाँ, हमें बजरबट्टू बनाने के लिए सूखी घास की जरूरत पड़ती है, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। अगला है कपड़े। कपड़ों की जरूरत पड़ती है? हाँ, तो हम इस पर भी गोला लगाएंगे। अगला क्या है? मटका। क्या मटके की जरूरत पड़ती है? हाँ, बजरबट्टू का चेहरा हम मटके से ही तो बनाते हैं, इसीलिए बजरबट्टू बनाने के लिए हमें मटके की जरूरत होती है, तो हम मटके पर भी गोला लगाएंगे। अगला शब्द है रस्सी। क्या रस्सी की जरूरत पड़ती है? हाँ, तो हम रस्सी पर भी गोला लगाएंगे। अगला शब्द है पक्षी। पक्षी की जरूरत हमें बजरबट्टू बनाने के लिए नहीं पड़ती, तो हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। अगला है दाने। नहीं, हमें बजरबट्टू बनाने के लिए दानों की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगला शब्द है पानी। क्या हमें पानी की जरूरत पड़ती है? नहीं, बजरबट्टू बनाने के लिए हमें पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगला शब्द है मुकुट। मुकुट, क्या हमें पक्षी को से भगाने के लिए जो हम बजरबट्टू बनाते हैं उसमें के लिए हमें मुकुट की जरूरत पड़ती है? नहीं, तो हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। अगला शब्द है कीले। नहीं, हमें कीलों की जरूरत भी नहीं पड़ती। और नल। नल की जरूरत भी हमें बजरबट्टू बनाने के लिए नहीं पड़ती, तो हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा रंग भरिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 9, बजरबट्टू का चित्र बनाकर रंग भरिए एवं उसे एक नया नाम भी दे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक स्पेस दे रखा है, इसमें आपको बजरबट्टू की एक प्यारी सी चित्र को बनाना है और उसमें प्यारा सा रंग भरना है अपनी अपनी बुक्स या नोटबुक्स में। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य पूरक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 10, मृदुभाषी होने के अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम दूसरों के हृदय में अपनी पहली छवि बना पाएंगे? कक्षा में चर्चा करते हुए लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि हमने पाठ शुरू करने से पहले पढ़ा था कि
कि मधुर वाणी से आप किसी को भी अपना बना सकते हो। तो क्या मधुर वाणी के अलावा और कोई तरीका हो सकता है जिससे हम दूसरे के हृदय में अपनी पहली छवि अच्छी बना पाएंगे? थोड़ा सा सोचिए, अपने सहपाठियों और अपने मित्रों से इसकी चर्चा कीजिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। तो बच्चों, यह थी हमारी बजर बच्चों की मजेदार सी कहानी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और मैं मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या फिर कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।